भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसे पंख और चिड़िया का, जैसे धारा और नदिया का। यदि भूल अगर मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए फिर इस पे लज्जा क्यों? अब आपने जब भूल की है तो इस पे लज्जा करना ठीक है ही नहीं। यदि देखा जाए तो भूल हमें जीवन में और श्रेष्ठ बनने की मौका देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है, और दोष जन्म देती है अपराध को, और अपराध को क्षमा नहीं दंड देना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अब इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों दंड देना चाहिए? इसका कारण है अपने भूल को स्वीकार करने से बचना। यदि अगर आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी, और दोष अपराध, और अपराध को क्षमा नहीं किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। तो साहस रखिए अपने भूल को स्वीकार करना और अपने आप को सुधारने का ये पहला कदम होता है जीवन में सही रास्ते पर चलने। और हमेशा ये याद रखिएगा, अगर कोई अपराध हो गया तो इसका मतलब है समय से आपने अपनी भूल को स्वीकारा नहीं। तो अपने भूल को स्वीकारो, अपराध से बचो और सही रास्ते पर चलो। राधे राधे।